हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये चार नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे चार नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो अपलोड हो गया है मेरे चैनल पर, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। मैं यहां पर स्लिप स्टिच बनाते बनाते बाजू की तरफ आ गई। अब मैं यहाँ इसे दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। एक बार और हम इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो चैन। ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम आगे वाली में एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई। अब हम सभी चैनों के अंदर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से हम तीन चैन हो गई। अब हम आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं चौथी वाली में दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चैन के अंदर, ये दो डबल क्रोशिया। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये चौथी में दो बार बनाएंगे। एक हो गया, ये हमारे दो डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। यहीं पे तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन हो गई। फिर से हम आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन, ये चार डबल क्रोशिया। अब हम पांचवी वाली में दो बार बनाएंगे, चार के बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया और ये हमारे पांच डबल क्रोशिया। इसी में अब हम एक बार और बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, ये तीन चैन हो गई। आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो क्रोशिया, तीन, चार, पांच और ये छह डबल क्रोशिया। अब हम छठी वाली में एक बार और बनाएंगे, ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसी में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच के बाद छठी वाली में हम दो बार बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब मैं यहीं से दूसरा कलर लगाऊंगी यहाँ से इस तरह से। यहीं पे मैं एक, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम तीन चैन हो गई। इसी में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, ये
ये चार डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया हो गई। अब हम पांच चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन हो गई। और यहाँ पे ये तीसरी वाली चैन के अंदर इस तरह से जो निकालेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक चैन बनाएंगे। अब इसमें हम चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पे दो चैन छोड़ेंगे, एक दो, तीसरी वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम एक दो तीन चार पाँच चैन, यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया के, यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया है, इसमें से हम अपनी क्रोशिया को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर एक चैन बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर ये चैन बनाई थी पांच स्वाली के, इसके अंदर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच ये छः सात आठ, आठ सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर से हम दो चैन छोड़ेंगे, एक दो, तीसरी वाली में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक दो डबल क्रोशिया, तीन ये चार, फिर से एक दो तीन चार पांच चैन, फिर से यहाँ पे ये पहली डबल क्रोशिया है, इस वाले में हम इस तरह से निकालेंगे इसको, एक चैन बनाएंगे। फिर से हम इसी चैन के अंदर आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः ये सात ये आठ सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर से हम यहाँ पे दो चैन छोड़ेंगे, तीसरी वाली में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, कुछ इस तरह से डिजाइन बन के आएगा। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे लास्ट में। अब यहाँ पे मैंने थ्री चैन बनाई थी, इसमें थ्री वाली चैन के अंदर अब हम स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से जोड़ देंगे, यहाँ पर थ्री की चैन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहीं पर हम एक चैन बनाएंगे, इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनके तैयार हो गई। ये हमारे चार नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस है, इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। और ये मेरी ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह से।